हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, सामान हिंदी। तो सामान हिंदी में देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञा। तो देखिए, संज्ञा मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में UP SSSC के जो भी एग्ज़ाम होगा, एक दो क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद आप CSAT का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिर पुलिस का एग्ज़ाम होने, बहुत जल्द ही पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो पुलिस के भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, संज्ञा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मूर्खता हो गया, राम हो गया, सेना आदि। अब देखिए दोस्तों, संज्ञा के कार्य क्या हैं। जैसे व्यक्ति हो गया, नदी हो गया, पहाड़ों हो गया, राज्य हो गया, देश, महादेश, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, ग्रह नक्षत्र, दिनों, महीनों आदि के नामों का बोध कराना। जैसे बलराम हो गया, गंगा हो गया, विंध्याचल हो गया, बिहार हो गया, रूस हो गया, एशिया हो गया, कमायनी हो गया, चंद्रमास हो गया आदि। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पशुओं, पक्षियों, मिठाइयों आदि के नाम का बोध भी होता है। जैसे गाय हो गया, कबूतर, जलेबी, साइकिल, ये सब हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा संज्ञा है। ये हमारा क्या है, संज्ञा। इसके बाद देखिए, संज्ञा हो गया, फिर समूह का बोध कराता है, जैसे झुंड हो गया, सेना हो गया आदि। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराना, जैसे सोना, चांदी, घी आदि। व्यक्तियों और पदार्थों के भाव, धर्म, गुण आदि का बोध कराना, जैसे दवा, दया, कृपा, मित्रता, उष्णता, चतुराई। इसके बाद देखिए दोस्तों, संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, एक जातिवाचक संज्ञा होता है, एक समूहवाचक संज्ञा होता है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, एक भाववाचक संज्ञा। कुल मिलाकर पांच पांच होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कभी कभी पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पांच। फिर से देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो दोस्तों देखिए, यहां से संज्ञा के भेद से क्वेश्चन जरूर पूछता है। जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग UP SSSC की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग CSAT की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस टॉपिक को जरूर से ध्यान देंगे। अब आता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। जैसे जैसे गंगा हो गया, तुलसीदास हो गया, पटना हो गया, राम हो गया, हिमालय हो गया आदि। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के अपने नाम, जैसे तुलसीदास, महेश, राम। नदियों के अपने नाम, गंगा, गंडक, यमुना। तो ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है, झीलों के नाम, जितने झीलों के नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे डल झील हो जाएगा, बैकाल झील हो जाएगा। समुद्र के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि हो गया। पहाड़ों के नाम, जैसे आल्पस हो गया, विंध्य हो गया, हिमालय आदि हो गया। गांव के नाम हो गया, रेवड़ा डी हो गया, पांडेपुर हो गया, कोटवा हो गया। इसके बाद नगरों के नाम, सड़कों, दुकानों, प्रकाशों के नाम, महादेशों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, पुस्तकों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, त्यौहार, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, ग्रह नक्षत्र के नाम, महीनों के नाम। इसके बाद देखिए दोस्तों, दिनों के नाम। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी या संपूर्ण जाति का बोध करता है। जैसे गाय, गाय हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगर गाय का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। जैसे नदी हो गया, अगर नदी किसी, सिर्फ नदी कह रहा है, मतलब ये नहीं कह रहा गंगा यमुना। अगर गंगा यमुना कहता तो हमारा क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ नदी कह रहा है तो नदी में किसी का नाम नहीं आ रहा है। पहाड़ आ रहा है तो पहाड़ में किसी का नाम नहीं है, तो सिर्फ पहाड़ कह रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे मनुष्य, मनुष्य में किसी का नाम नहीं ले रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा में भी देखिए, जैसे पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम, ये भी हमारे, जैसे खटमल हो गया, गाय हो गया, घोड़ा, चील, ये सब हमारा जातिवाचक संज्ञा। फलों के नाम, जैसे आम हो गया, केला हो गया, परवल हो गया और पालक, जूही आदि, ये हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। पहनने और ओढ़ने, बिछाने आदि के सामान भी हमारे किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा। अन्न, मसाले, मिठाई आदि के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। विभिन्न सामग्री के नाम भी हमारे किस में आएंगे, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। सवारियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा। संबंधियों के नाम, जैसे भाई बहन। व्यवसायों और पदों और पदाधिकारियों के नाम भी हमारे किस में आएंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा के नाम में आएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए, आपका आता है अगला समूहवाचक। तो समूहवाचक क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराता है। जैसे गिरोह हो गया,
झब्बा हो गया, झुंड हो गया, दल हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया आदि, ये सब हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आएगा, द्रव्यवाचक में द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराता है, जैसे घी हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया, ये सब हमारा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद देखिए भाववाचक, भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे गुण हो गया, भाव हो गया, अवस्था हो गया, माप हो गया, क्रिया हो गया, गति हो गया, स्वाद हो गया, अमूर्त हो गया, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आया है जो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, जैसे संज्ञा शब्द, तो आकाश, पहाड़, गंगा हो गया, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन, व्युत्पत्ति के आधार पर, ऐसे तो संज्ञा पांच प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी में फंसाएगा, संज्ञा के भेद देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, फिर इसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा होता है, फिर इसके बाद समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब देखिए मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो ये मोहन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप जिस घर, जिस शहर में है, उस शहर का नाम संज्ञा की सूचित करता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, समारू, गजमार, दलहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से राम हो गया, रामचरित मानस हो गया, गंगा हो गया, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, कर्मचारी हो गया, पर्वत हो गया, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद में कौन है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, पशु क्या हमारा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा मजदूर है, क्योंकि मजदूर का नाम कुछ है नहीं, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद संज्ञा किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा। कवि, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा आती है, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है, वकील। गाय कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में किस रूप में परिवर्तित किया है, जातिवाचक में से व्यक्तिवाचक। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। लहर किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, या नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक। सशैव शब्द का से बना शब्द क्या है, भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। बाप का संबंधवाचक शब्द रूप क्या है, बपौती। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, औचित्य। निजत्य संज्ञा शब्द क्या है, भाववाचक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित करिए, भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पे क्या है, शब्द प्रकार के आधार पे मनुष्य शब्द का कौन सा भेद है, भाववाचक संज्ञा है। पशुता शब्द का उदाहरण क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है, मनाही, विद्वता, खुशी। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, पांच प्रकार की। भाववाचक संज्ञा का निर्माण पांच प्रकार से प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। इसके बाद देखिए यहां पे क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा दिल्ली और मोहन जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन लड़का जातिवाचक संज्ञा है, अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पर भाववाचक संज्ञा क्या है, चिंता। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है, थकावट। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, राष्ट्रीयता। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, मानवता। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है, सुंदरता, सौंदर्य। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, जागरण। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के लिए रेखांकित शब्द का भेद है, भाववाचक संज्ञा। हरियाली क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, मित्रता। समूहवाचक संज्ञा क्या है, सभा, कक्षा, भीड़। संज्ञा शब्द क्या है, सभा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, दूध। संज्ञा का उदाहरण क्या है, सुंदरी, मानव, पटना। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है दोस्तों, संज्ञा पदबंध। बड़े बड़ाई ना करो, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टटा है मोल। तो रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस रूप में किया गया है, संज्ञा। अब आगे देखिए दोस्तों, द्वार द्वार भटकने में प्रयुक्त द्विरक्ति द्वार है, तो समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्ति को क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या, निशाना। हमें अशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, संज्ञा। संज्ञा से विशेषण के लिए सही शब्द, भय, भयानक। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व में किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, गर्मी, सजावट, दूरी।
प्रोफेसर, मंत्री, मकान, वर्षा, ज्वालामुखी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? समीप्य, मिठास। सजाना की भाववाचक संज्ञा क्या है? सजावट। गांधी अपने समय के कृष्ण थे, इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग हुआ है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल, तांबा द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या है? सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? दौड़। भाववाचक संज्ञा क्या है? दया, क्रोध, चिंता, ममत्व। भाववाचक संज्ञा क्या है? मनुष्यता, लड़कपन। भाववाचक संज्ञा क्या है? घबराहट, चढ़ाई, सजावट। बढ़ाओ दौड़ में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। लंबाई, नम्रता, मिठास, समझ, चाल में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास इत्यादि में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा। घर, पर्वत, मनुष्य, नदी, मोर और सभा किस प्रकार की संज्ञाएं हैं? जातिवाचक संज्ञा है। लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ससेव शब्द में कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं संज्ञा के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं सब कराऊंगा दोस्तों। धन्यवाद।